अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल समीना परवीन। टुडे आवर टॉपिक इज़ हिस्ट्री ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी। इन द हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी, एंशियंट ग्रीक्स वर द फर्स्ट हु ऑर्गेनाइज द डाटा ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। एरिस्टोटल प्रेजेंटेड द आइडिया दैट ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर समहाउ रिलेटेड। लेटर दिस आइडिया गेव राइजेस टू क्वेश्चन लाइक देयर इज दैट फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर शेयर्ड बाय ऑल ऑर्गेनिजम्स। बट बिफोर माइक्रोस्कोप्स वर यूज्ड इन 17th सेंचुरी, नो वन न्यू व्हाट विद सर्टेनिटी दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू शेयर अ फंडामेंटल यूनिट इन अ सेंस ऑफ सेल। बायोलॉजी की हिस्ट्री में जो एंशियंट ग्रीक्स थे वो फर्स्ट थे जिन्होंने नेचुरल वर्ल्ड के डाटा को ऑर्गेनाइज किया। एरिस्टोटल ने एक आइडिया प्रेजेंट किया जिसमें सारे एनिमल्स और प्लांट्स जो थे वो आपस में रिलेटेड थे। इसके बाद जो आइडिया था वो ये एक क्वेश्चन के तौर पर राइज हुआ कि यहाँ पर एक फंडामेंटल यूनिट है स्ट्रक्चर का जो ऑल ऑर्गेनिज्म के साथ शेयर्ड हो सकता है। लेकिन इससे पहले माइक्रोस्कोप जो है उनको यूज़ किया गया 17th सेंचुरी में, जो कोई नहीं जानता था इसकी सर्टेनिटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल है, फंडामेंटल यूनिट है जिसे सेल कहा जाता है। सेल्स वर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1665। ही यूज्ड हिज सेल्फ मेड लाइट माइक्रोस्कोप टू एग्जामिन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। हुक ऑब्जर्व्ड अ हनीकॉम्ब ऑफ टाइनी एम्प्टी कंपार्टमेंट्स। ही कॉल्ड द कंपार्टमेंट्स इन कॉर्क एक्सेलुले। हिट स्टम्स हैज कम टू अस एज सेल। The first living cells were observed a few years later by Dutch naturalist Antony van Leeuwenhoek. He observed tiny organisms under his microscope and called them as animalcules. जो सेल है वो डिस्क्राइब किया था एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने जिनका नाम रॉबर्ट हुक था 1665 में। इन्होंने अपनी एक सेल्फ मेड लाइट माइक्रोस्कोप को यूज़ किया थिन स्लाइस ऑफ कोर को एग्जामिन करने के लिए। हुक ने हनीकॉम्ब को ऑब्जर्व किया जिसके टीनी एम्प्टी कंपार्टमेंट्स होते हैं। उसने इन कंपार्टमेंट्स को सेलुले का नाम दिया और ये टर्म जो है सेल के तौर पर हमारे पास आई। जो फर्स्ट लिविंग सेल थे वो ऑब्जर्व हुए कुछ साल पहले डच नेचुरलिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया था जिनका नाम एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक था। इन्होंने टीनी ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया था अपने माइक्रोस्कोप के अंदर और इन्हें एनिमल क्यूल्स कहा जाता है। अब इसके बाद जो अनदर सेंचुरी जब हुई और अनदर सेंचुरी एंड हाफ हुई तो जनरल इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर सेल्स थे वो अप्रिशिएटेड किए गए बायोलॉजिस्ट से। इन 1809 जीन बैप्टिस्ट डी लमार्क प्रपोज दैट नो बॉडी कैन लाइफ इफ इट्स पार्ट्स आर नॉट सेलुलर टिश्यूज और आर नॉट फॉर्म्ड बाय सेलुलर टिश्यूज। तो इन्होंने 1809 में जीन बैप्टिस्ट लेमार्क जो थे उन्होंने ये कहा कि कोई बॉडी जो है उसके उनके अपने पार्ट्स होते हैं, उनकी अपनी लाइफ होती है और वो सेलुलर टिश्यूज नहीं होते और वो सेलुलर टिश्यूज से नहीं बनाए जाते। इन 1831 अ ब्रिटिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल। इन 1838 अ जर्मन बॉटनिस्ट मैथियस क्लैडन studied plant tissues and made the first statement of cell theory. He stated that all plants are aggregates of individual cells which are fully independent. 1 year later in 1839 a Germanist zoologist Theodor Schwann reported that all animal tissues are also composed of individual cells. Such Schleiden and Schwann proposed cell theory in its initial form. In 1855 Rudolf Virchow a German physician जो थे उन्होंने प्रपोज किया एक इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन को जो कि सेल थ्यूरी से जुड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि जो सारे लिविंग सेल होते हैं वो पहले से ही प्री एग्जिस्टिंग सेल होते हैं और 1862 में लुइस पास्चर ने कुछ एक्सपेरिमेंट प्रूफ दिए इस आइडिया के। सेल थ्यूरी जो है रिगार्ड होती है फंडामेंटल नॉलेज है जो इसमें पाई जाती है। ये वाइड रेंज है जो अफेक्ट करती है सारे रिसर्च को। इसके इनिशियल के प्रेजेंटेशन थ्योरी के जो इन्होंने स्क्लेडन ने और सचवान ने पेश की थी इसकी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर कुछ आपको दी गई हैं जो
ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कम्पोज ऑफ वन और मोर सेल, जो सारे ऑर्गेनिज्म है वो कम्पोज हुए हैं एक या एक से ज़्यादा सेल से। सेल जो है वो स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग है और ये बेसिक यूनिट है ऑर्गेनिजम्स का, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो सारे ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। सेल्स जो है अराइज होते हैं डिवीजन से और वो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल में पाए जाते हैं। ये कुछ मिस्टर स्क्लेडन का यहाँ पर दी गई है, चुआन की भी दी हुई है और आर विर्चो की भी यहाँ पर दी गई। उसके बाद यहाँ पर सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स आ जाते हैं। ये बेसिकली होते क्या है? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द सेल थ्योरी ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। वायरस, प्रियॉन्स एंड वायरियोट्स आर नॉट कंपोज्ड ऑफ सेल्स, रादर दे आर सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स। दे डू नॉट रन एनी मेटाबॉलिज्म इन साइड दैम। दे शो सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इन अ सेंस दे कैन इंक्रीज इन नंबर एंड कैन ट्रांसमिट देयर करेक्टर्स टू नेक्स्ट जनरेशन। We know that such acellular particles are not classified in any of the five kingdoms of organism. इसके फर्स्ट प्रिंसिपल के मुताबिक सेल थ्योरी जो होती है सारी ऑर्गेनिज्म की, वो एक या एक से ज़्यादा सेल पर कंपोज हुई भी होती है। वायरस, प्रियॉन्स और वायरियोस जो है ये सेल्स को कंपोज नहीं करते, लेकिन ये सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स कहलाए जाते हैं। ये कोई मेटाबॉलिज्म रन नहीं करते और जो है ये करैक्टरिस्टिक शो करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, जो के इंक्रीज होते हैं नंबर में और इनके करैक्टर्स में ट्रांसमिट होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। इसमें हम जानते हैं कि जो ए सेलुलर पार्टिकल्स है वो क्लासीफाई नहीं हुए हुए फाइव किंगडम्स के अंदर। यहाँ पे हिस्ट्री दी गई है फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी की। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।